गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज़ कादिर एंड आई एम जस्ट अगेन हियर विद द क्लास 11, द चैप्टर नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ओके, बाय खुशवंत सिंह. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट एंड गिव यू वन ऑफ द वंडरफुल एक्सप्लेनेशन बाय सेंटेंस एंड वर्ड टू वर्ड सो दैट यू कैन ईजली अंडरस्टैंड. एज आई हैव जस्ट प्रोमिस टू ऑल द स्टूडेंट दैट आई विल जस्ट यूज हिंदी इन दिस मीन्स वाइल मेकिंग वीडियोज. सो अभी मैं हिंदी में ही यूज़ करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए. तो गाइस, चैप्टर नंबर जो 1 है ये आपका हॉर्नबिल बुक से लिया गया हुआ है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक किसी की तस्वीर टाइप, ठीक है, या किसी की एक मूर्ति टाइप के हम लोग बना लेते हैं. जैसे हम लोग देखते हैं जब कोई ख़त्म हो जाता है या कोई दुनिया में नहीं रहता है तो हम लोग उसकी एक फ़ोटो बना लेते हैं, एक फ्रेम. पोर्ट्रेट यानी कि फ्रेम. तो जो खुशवंत सिंह हैं वो अपने दादी के बारे में इसमें बता रहे हैं हम लोगों को कि उनकी दादी के साथ उनका रिलेशन कैसा था, जब वो जिस तरह से वो 20 ईयर्स से अपनी दादी को देखते आ रहे हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस हैं. और खुशवंत राय ने इस स्टोरी को इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. उन्होंने कोशिश की है कि वो जो अपने दादी की इमेज है, हमारे जो रीडर्स यानी कि जो आप लोग इसको पढ़ रहे हो, पढ़ने वाले जो रीडर्स हैं उनके दिमाग में बन जाए. तो देखते हैं इस स्टोरी को, देखते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है. आप लोग प्लीज़ इसको पूरा सुनिएगा. आज हम फर्स्ट पार्ट ही एक्सप्लेन करेंगे और सेकेंड पार्ट आपका फिर जल्दी ही आएगा. तो शुरू करते हैं. माई ग्रैंड मदर, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. इसमें खुशवंत सिंह जी बता रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंडमदर हैं वो हर एक ग्रैंडमदर की तरह ही बूढ़ी हैं, बूढ़ी औरत की तरह हैं. और उनके चेहरे पे मतलब वो 20 ईयर्स, जब यानी कि वो 20 ईयर्स तक क्या देखते आ रहे थे, रिंकल देख रहे आ रहे थे. रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ. अब जैसे आप लोग बड़े हो गए हैं तो आप लोग अपनी दादी को देखते हैं तो उनके चेहरे पे हल्की हल्की सी झुर्रियाँ आ जाती हैं, ठीक है. जब आप लोग अभी जैसे मान लीजिए अभी आप लोग 14 ईयर्स के होंगे, या कुछ बच्चे 12 ईयर्स के होंगे, या मान लीजिए कुछ बच्चे 20 ईयर्स एट 16 ईयर्स के हो जाते हैं, तो वो देखते हैं कि अपने उनकी दादी वगैरह जो होती है उनकी दादी के चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं. इसी तरह से बचपन से लेके वो 20 साल तक अपनी दादी के चेहरे पर झुर्रियाँ ही देखता आ रहा है, ठीक है. तो अब यहाँ आगे देखते हैं. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. मतलब बताया जा रहा है यहाँ पर कि लोग कहते हैं कि पहले जो आपकी दादी थी वो बहुत यंग थी, बहुत ही प्रीटी थी, खूबसूरत थी, उनके एक हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. जो खुशवंत सिंह के लिए ये विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि खुशवंत सिंह जी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी को जब से होश संभाला है इन्होंने तो अपनी दादी के चेहरे पे इन्होंने झुर्रियाँ ही देखी. तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है ये विश्वास करना कि उनकी दादी बहुत ज़्यादा यंग और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी. इतना आपको समझ में आ गया. अब आगे देखते हैं. माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट यानी कि उनकी जो फ़ोटो होती है, जो फ्रेम होता है, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. इनके जो ग्रैंड फादर उनकी जो एक फ़ोटो फ्रेम है वो इनके ड्राइंग रूम में एक लगी हुई है, और जिसमें वो एक टर्बन पहने हुए, बड़ा सा टर्बन और एक कुछ कपड़े पहने हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा लूज फिटिंग के हैं. उनकी जो लंबी लंबी दाढ़ी है उनके पूरे चेस्ट को, मतलब थोड़े से कुछ चेस्ट का पार्ट को कवर कर रही है, ढक रही है, और वो ऐसे लग रहे हैं कम से कम 100 साल के हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है तो ही डिड नॉट लुक सॉर्ट ऑफ पर्सन. सॉर्ट का मतलब होता है टाइप, ठीक है, टाइप यानी कि मतलब टाइप का मतलब तरह तरह. लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ. तो इनका कहने का मतलब है यहाँ पर हमारे दादा ऐसे नहीं लग रहे कि उनकी वाइफ भी होगी और उनके बच्चे भी होंगे. वो ऐसे लगते हैं जैसे कि उनके बहुत से ग्रैंड चिल्ड्रेन होंगे. और एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड हैप्पी, मतलब यंग एंड प्रीटी. और अगर मैं बात करूँ अपने ग्रैंड मदर की जो बहुत ज़्यादा यंग और प्रीटी हैं, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग.
तो ये मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है, ठीक है, बर्दाश्त, मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा इस चीज़ पर, क्योंकि शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड. अक्सर हमारे दादा और दादी होते हैं, हमें अपने बचपने की कहानी सुनाया करते हैं कि हम बचपने में ऐसा क्या करते थे, हम बचपने में ऐसा क्या करते थे. हम लोग कई ऐसी कहानी अपने दादा और दादी से सुनते थे जो हम लोग को सच भी लगती थी और जो हम लोग को शायद अजीब भी लगती थी, और उन पर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल होता था. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस. और हम उसको बिल्कुल एकदम अलग तरीके से, हीनतर तरीके से देखते थे. और मुझे खुशबंत सिंह जी हैं वो बोलते हैं कि इसमें मुझे उनकी कोई बातों पर विश्वास नहीं होता, जैसे कि वो बताया करती थी, कुछ कहानियाँ बताया करती थी, उन पर विश्वास नहीं होता था. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड. तो इसमें बता रहे हैं कि जब से जो 20 साल के जो खुशवंत सिंह जो राय थे, उन्होंने बताया कि जो उनकी दादी थी, उनकी जो दादी थी वो शॉर्ट थी, यानी कि थोड़ी सी छोटी थी और मोटी थी और आगे को झुकी हुई थी, ठीक है. हर फेस वॉज अ क्राइस्ट क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवियर टू द एवरीवियर. यानी कि उनका फेस हर जगह से रिंकल से भरा हुआ था, यानी कि झुर्रियों से भरा हुआ था हर जगह से. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. तो इसमें ये बता रहे कि यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी दादी ख़राब थी. इनका कहने का मतलब ये है कि जो उनकी दादी बाय फेस तो ज़्यादा अच्छी उन्हें नहीं लगी, लेकिन बाय नेचर उन्हें ज़्यादा अच्छी लगी. ये अभी आगे आएगा आपके, देखते हैं. ओल्ड सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. तो वो बता रहे थे कि वो जब वो बड़ी होंगी तो और भी ज़्यादा टेरेबल हो जाएंगी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. और उन्हें लगा कि मतलब वो 20 ईयर्स तक की एज, जो खुशवंत सिंह राय ये सोच रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि जो दादी हैं 20 साल तक वैसी ही बनी रहती जैसे वो पहले थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी. तो ये बता रहे हैं वो कभी खूबसूरत रही ही नहीं होंगी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. लेकिन वो हमेशा खूबसूरत रही थी. शी हबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्लिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारी जो दादी थी वो दादी क्या करती थी, हॉबर्ड करती थी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, अपने हाथ में एक जो कमर पे हाथ रखे हुए अपने बैलेंस को करते हुए यहाँ वहाँ घूमती रहती थी. और हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटिडी ऑन हर पेल. यानी कि उनके जो सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है बाल, ठीक है, यहाँ हर सिल्वर यानी कि उनके सिल्वर कलर के बाल बिल्कुल बिखरे रहते थे ऑन हर पेल, यानी कि उनके पहले पीले चेहरे पर. ठीक है, पकर्ड फेस यानी कि थोड़ा सा एक अजीब टाइप का फेस. ऑन हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इंसिडिबल प्रेयर. और अपने हाथ में एक मतलब भगवान की प्रेयर भी करती रहती थी. हाथ में प्रेयर करने का मतलब ये है कि एक माला वो हाथ में ली रहती थी. आप लोग देखते होंगे कि आपकी दादी या दादा हाथ में सुबह सुबह या शाम को बैठ जाते हैं और माला लेकर, जिसमें बहुत से मुस्लिम बच्चे बोलते हैं उसको प्रेयर मतलब तस्बीह, और बहुत से लोग उसको और भी कुछ नाम से बोलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं उसका यूज़ करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं. कुछ लोग भगवान के जाप करते हैं, कुछ लोग अल्लाह का जाप करते हैं. इसी तरह से उनकी दादी भी भगवान का जाप करती रहती थी. यस शी वॉज़ ब्यूटिफुल. ऑथर कहते हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो थी. शी वॉज़ लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन. वो बिल्कुल विंटर लैंडस्केप माउंटेन की तरह थी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो उनकी जो दादी थी वो हर एक मतलब बुराइयों से, हर एक बुराइयों से दूर रहकर एक बिल्कुल अच्छी सी तरह
रहती थी, यानी कि सैटर्निटी का मतलब ये भी हो जाता है कि उनकी ग्रैंड मदर थी, जैसे किसी के हस्बैंड ख़त्म हो जाते हैं तो वो क्या करती थी, वो एक सफ़ेद कपड़े में कपड़े पहनती थी और पीस तरीके से एक शांति तरीके से क्या करती थी, अपना भगवान का जाप करती रहती थी। ठीक है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ ये बताते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर थी और मैं था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त फ्रेंड थे, दोनों दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, यानी इनकी खुशवंत जी के जो पेरेंट्स थे वो उनको दादी के साथ छोड़ जाते थे। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो सिटी में रहने गए, एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और जब हम लोग साथ में थे, शी यूज़ टू वॉक वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह सुबह जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी कर दिया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, तो यानी कि जब वो मॉर्निंग में हर रोज़ क्या करती थी, गाना गाया करती थी, प्रेयर करती थी, और जब वो मुझे, मतलब जबकि वो मुझे नहला भी रही होती, मुझे कपड़े भी पहनाती हैं इसके साथ साथ। ठीक है, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो बाई इट हार्ट, और जो भी वो गाना गाया करती थी, जो भी भगवान की वो प्रेयर करती थी, वो मैं उसे दिल से सुना करता था। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी कोशिश नहीं करता था सीखने की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी एक लकड़ी की स्लेट पकड़ती थी, मुझे देती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जिसको वो अच्छे से धोके और येलो कलर की चौक उस पर चढ़ा कर, अ टिनी इथर्न इंक पॉट, तो उसमें एक जो इंक पॉट होती है वो उसमें लगाती थी, एंड अ रेड पेन, और रेड पेन टाई देम, और उसमें बांध देती थी। ठीक है, ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में उसको दे देती थी, यानी कि पूरा जो स्कूल का बैग होता लगा कर उसको बच्चे को, यानी खुशवंत सिंह जी को दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, यानी कि अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करने के बाद, स्टेल चपाती, ठीक है, जो स्टेल चपाती विद द लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, यानी कि चपाती में जो क्या करती थी, स्टेल यानी कि बासी चपाती भी होती है, तो वो क्या करती थी, उसमें बटर और शुगर को फैला देती थी उसमें। एंड वी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल्स चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और अपने साथ बहुत सी चपातीज लाया करती थी जो वहाँ के जो विलेज के डॉग्स हुआ करते थे उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि इनका जो स्कूल था वो एक मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, यानी कि जो वहाँ के पुजारी हुआ करते थे वो उन्हें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग की प्रेयर सिखाया करते थे। वेल द चिल्ड्रेन सेट इन रो ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द चौरस, यानी कि वहाँ पर बरामदा में बहुत से बच्चे बैठ जाते थे, कुछ बच्चे प्रेयर पढ़ते थे और कुछ बच्चे क्या करते थे, भगवान का जाप करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, यानी कि वहाँ पर वो अंदर बैठ जाती थी और वहाँ पर स्क्रिप्चर्स यानी कि किताबें वगैरह भगवान की, जो भी जैसे गीता रामायण कुछ जो भी है वो पढ़ती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम लोग अपना काम पूरा कर चुके होते हैं, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और हम लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय जो विलेज के जो डॉग्स होते थे वो मंदिर के दरवाजे पर हम लोग को मिलते थे, और वो हमें फॉलो करते थे हमारे घर तक, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए। ठीक है, फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और जो भी चपातीज जो हम लोग को फेंका करते थे दिया करते थे। ठीक है, When my parents were comfortably settled in the city, जब इनके parents city में comfortable तरीके से set हो गए, they sent for us, और वो हमारे लिए, उन्होंने हमारे लिए किसी को भेजा। ठीक है, वो आए या हमारे लिए, that was a turning point in our friendship, और वो हमारी यानी कि दादी के और खुशवंत सिंह के फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट था।
although भले ही we shared the same room, भले ही हम लोग same room share करते हैं, my grandmother no longer came to school with me, मेरी जो grandmother हैं उसके साथ फिर ज़्यादातर school नहीं आई, ठीक है, I used to go to an English school, ठीक है, मैं एक English school में जाने लगा, in a motor bus, एक motor bus में, there were no dogs in the streets, वहाँ पे कोई dogs नहीं होते हैं, and she took to feeding sparrow in the courtyard for our सिटी हाउस, और वो कुछ ले जाती थी जो स्पैरोज़ वगैरह चिड़ियाँ होती, तो वो अपने कोर्टयार्ड में वहाँ पर जो सिटी का हाउस है वहाँ पर एक कोर्टयार्ड यानी कि एक दलहन होती है, वहाँ पे चिड़ियों को दाना चुगाने के लिए वहाँ पर वो चली जाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे ही साल गुजरते गए हम लोग ने एक दूसरे को देखना बहुत ही कम कर दिया। फॉर सम टाइम, कुछ दिनों के लिए, she continued to walk me up and get me ready for school, कुछ दिनों के लिए वो मुझे जगाती रहीं और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती रहीं। when I came back she would ask me what the teacher had, जब मैं वापस आता था तो फिर मुझसे पूछती थी कि आपके टीचर ने आज मतलब क्या पढ़ाया, taught me, तो I would tell her English words and little things of वेस्टर्न साइंस ऑफ लर्न एंड लर्निंग, तो वो उन्हें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बताते थे और वेस्टर्न साइंस के लर्निंग बताते थे कि उन्होंने क्या सीखा, द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी का जो लॉ होता है, ठीक है, और आर्चिमेड्स प्रिंसिपल यानी कि उसके जो कुछ सिद्धांत होते हैं, द वर्ल्ड बींग रियून, ये जो देश जो दुनिया बर्बाद हो रही है, सारे ऐसे कुछ टॉपिक हैं उनको मिलते थे, दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये उनको नाखुश कर देता था, ठीक है। शी कुड नॉट हेल्प मी विद द लेसन्स विद माई लेसन्स, जो वो फिर वो मैं हमारे लेसन्स में मदद नहीं कर पाती, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, और वो उन चीज़ों पर मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर पाती थी जो मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, ठीक है, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और थोड़ा सा निराश हो जाती थी, दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और कहती थी कि ईश्वर के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, कोई भी जैसे स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाए जाते हैं। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने अनाउंस किया, दैट वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेसन्स, हमें एक म्यूजिक लेसन दिया गया, ठीक है, हम लोगों को। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो उस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, to her music had lewd associations, it was the monopoly of harlots and beggars not meant for gentle folk, she said nothing but her silence meant disapproval, she rarely talked to me after that, तो उसमें जो उनको म्यूज़िक में पार्टिसिपेट करना था और उसमें कुछ अलग तरीके से उनको काम करना था, जैसे वहाँ पर उनको एक मोनोपोली ऑफ हैलोट और बेकर्स की तरह जो उनको शायद सिंगिंग करनी थी, तो उसके बाद उनकी जो दादी उनसे ना मतलब क्या हुआ, रेयरली बहुत ही मुश्किल से उनसे बात किया करती थी, और जो कि उनकी फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा कम करता जा रहा था। When I went up to university, जब ये यूनिवर्सिटी पहुँचे, I was given a room of my own, तो मुझे अपना खुद का एक रूम मिला, the common link of friendship was snapped, वहाँ पे कुछ फ्रेंडशिप लोग जो कुछ कॉमन फ्रेंडशिप बन गई, my grandmother accepted her seclusions with resignation, और तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने एक सेक्ल्यूशंस ऑफ विद रिजाइग्नेशन एक्सेप्ट किया, शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और वो बहुत ही कम उन्हें किसी से बात करने देती थी, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट यानी कि सूरज के उगने से और सूरज के डूबने तक, शी सेड बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, अपनी व्हील पे बैठी रहती थी और प्रेयर को पढ़ती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरो, और दोपहर में ही कुछ रिलैक्स उन्हें आराम मिलता था, तो वो चिड़ियों को दाना देने के लिए चली आती थी। व्हाइल शी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, तो जब वो बरांदा में बैठ के रोटी को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ती थी, hundred of little birds collected around her creating a veritable bedlam of chirpings, yani ki wo apni unko 100 se zyada chidiyan unke paas aa jati thi chirping karte karte,
सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी तो उनको कुछ अपने चोंच से उनके लेग्स को टच किया करती थी, अदर ऑन हर शोल्डर को उनके शोल्डर पे बैठ जाती थी, सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़ियाँ तो ऐसी थी जो उनके हेड पर बैठ जाती थी, से स्माइल, वो मुस्कुराया करती थी, बट नेवर नेवर शोड देम अवे, लेकिन कभी उनको भगाया नहीं करती थी, आई यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, लेकिन वो उनका इट यूज़ टू बी, वो आधा घंटा उनका बहुत ज़्यादा खुशी का टाइम बनता था। सो दोस्तों, आज का टॉपिक फर्स्ट पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और सेकेंड पार्ट के लिए हम कल इसको फिर से एक टॉपिक और बनाएंगे। तब तक के लिए अब आई होप सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय एवरीवन।